हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा रही हूँ। आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और एक भी क्वेश्चन बीच में स्किप मत कीजिएगा और अपना स्कोर चेक कीजिएगा। जैसा कि आपका फिजिकल एजुकेशन बीपीएससी Tier 3 का एग्जाम जून में कंडक्ट करा लिया जाएगा 10-11 जून को, अभी तक यही सूचना है। एंड दोस्तों, जो ही लोकसभा चुनाव कंप्लीट होगा, अदर स्टेट में वैकेंसीज आएंगी, जैसे एमपी में आपका एग्जाम होगा ही जो टेट लिया गया है उसके बेस पे। एंड दोस्तों, यूपी में भी यूपी अल्टीग्रेट, यूपी टीजीटी, पीजीटी जो भी है, अदर स्टेट में भी, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, उत्तराखंड हो, तो यदि आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, आपको एक सीट मिल पाएगा। आप सभी कार्य करते हुए अपने प्रैक्टिस करने के लिए डेली बेसिस पे जरूर टाइम निकालिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास ही इंसान को परफेक्ट यानी पूर्ण बनाता है। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, 1896 में प्रथम ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किसने किया था? जैसा कि आपको पता है, आधुनिक ओलंपिक खेल के पितामह कहे जाने वाले बैरन पियर डी कुबर्टिन ने आधुनिक ओलंपिक प्रथम खेल यूनान के एथेंस में पैनाथोनिक स्टेडियम में कराया, जिसका उद्घाटन किया था ग्रीस के किंग जॉर्ज प्रथम ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने प्रथम बार भाग लिया था? एक क्वेश्चन बहुत बार, हर बार पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आपका गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो किस ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने प्रथम बार भाग लिया था? तो 1900 पेरिस फ्रांस में। इस बार क्वेश्चन क्या दिया था बीपीएससी Tier 2 में कि किस ओलंपिक में महिलाओं ने प्रथम बार भाग लिया था, तो वहां पे 1900 पेरिस फ्रांस ऑप्शन ही नहीं दिया था। तो आप क्या करेंगे, इनमें से कोई नहीं टिक करेंगे, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेल कूदों में आधुनिक पेंटाथलॉन यानी 5 खेलों वाली एक सम्मिलित खेल आइटम में इवेंट्स कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, जैसा कि मैं, जो कंबाइंड इवेंट है डेकाथलॉन, हेप्टाथलॉन, पेंटाथलॉन एंड ट्रॉयथलॉन, इसका मैं, आप एथलेटिक्स वाले प्लेलिस्ट में जाइए और इसका डिटेल में वीडियो देखिए। मैं शॉर्ट में ट्रिक के साथ ऐसा बताया हुआ है चारों को कि कभी आप लाइफ में नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि पेंटाथलान मतलब होता है 5, पेंटा मतलब 5, थलान मतलब पत्तियां यानी 5 पत्तियां। इसके अंतर्गत मॉडर्न पेंटाथलान के अंतर्गत फेंसिंग यानी तलवारबाजी, तैराकी फ्री स्टाइल एंड हॉर्स जंपिंग एंड निशानेबाजी यानी शूटिंग एंड क्रॉस कंट्री दौड़ शामिल है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? अश्वारोहण यानी कि हॉर्स जंपिंग है, तलवारबाजी भी है, शूटिंग भी है, तैराकी भी है, गांव की ओर दौड़ यानी कि क्रॉस कंट्री दौड़ भी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर को आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल कूदों में प्रत्येक इवेंट में कितनी प्रविष्टियों की अनुमति है? तो दोस्तों, प्रत्येक इवेंट से 3 प्रविष्टियों की अनुमति है। नेक्स्ट है, वयस्क मनुष्य में समान नब्ज गति का विस्तार कितना होता है? तो दोस्तों, यह 60 से 100 होता है। वैसे तो जो हमारा हार्ट रेट होता है 72 प्रति मिनट होता है, लेकिन नॉर्मली 60 से 100 रखा गया है। नेक्स्ट है, रक्त का आयतन शरीर के संपूर्ण भार का कितना होता है? तो दोस्तों, रक्त जो है शरीर के 1/12 भाग यानी कि 7 से 8% होता है, ठीक है? नेक्स्ट है, उपास्थि की अधास्थि यानी मैट्रिक्स में विद्यमान प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो जो उपास्थि यानी कॉर्टिलेज होता है, वो कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन से उसके मैट्रिक्स में आंतरिक भाग में कॉन्ड्रिन प्रोटीन होता है, जबकि अस्थियों के अंतर्गत ओसिन प्रोटीन होता है। दोनों चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एड्रेनलिन अंतःस्राव पैदा
किया जाता है। तो एड्रेनालिन जो हार्मोन है वो किस ग्रंथि से स्रावित होता है दोस्तों? तो एड्रेनालिन हार्मोन जो है एड्रेनल ग्रंथियों से स्रावित होता है। एड्रेनालिन हार्मोन जो होता है यह अनुकंपी तंत्रिका यानी सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम से नियंत्रित होने वाली क्रियाओं को नियमित करती है, जैसे कि उत्तेजना के समय, क्रोध के समय, कोई परेशानी के समय। जैसे कि एड्रेनालिन को लड़ो या उड़ो, फाइट और फ्ले हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि यह हमें संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। अतः मानसिक तनाव की स्थिति में अधिक मात्रा में स्त्राव होता है एड्रेनालिन, ठीक है, यानी जैसे कि क्रोध आने पर, डर लगने पर, घुटन होने पर, घबराहट होने पर तथा भूख लगने पर जो एड्रेनालिन का स्त्राव होता है बढ़ जाता है, जिसके कारण रक्तदाब भी, बीपी भी हाई हो जाती है, परंतु अंतरांगों की क्रिया धीमी हो जाती है, जैसे पाचन क्रिया एंड और जो भी क्रियाएं हैं वो धीमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसीलिए जीवन रक्षक हार्मोन भी बोला जाता है एड्रेनालिन को, और फाइट और प्ले, लड़ो या उड़ो हार्मोन भी बोला जाता है, दोनों चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों, यह पुरुषों के वृषण के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट है यदि कठोर अभ्यास के बाद पेशी क्षतिग्रस्त हो जाती है तो कितनी देर के बाद व्यायाम करना चाहिए? दोस्तों यदि आप ओवरलोड कर दिए, ओवर एक्सरसाइज कर दिए, ओवर व्यायाम कर दिए, उस कंडीशन में हमारी पेशी जो है टूट जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो उसको कम से कम 48 घंटे आराम देंगे, ठीक है, यानी 2 दिन तक, उसके बाद हम फिर पुनः अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट है एक ही स्थान पर जॉगिंग यानी धीमी किंतु स्थिर दौड़ के द्वारा क्या होता है? तो दोस्तों एक ही स्थान पर जॉगिंग जो है बहुत ही फायदेमंद होता है, ये हमारे पूरे शरीर का एक्सरसाइज हो जाता है। तो यहाँ पे ये हमारा जो घुटना होता है, घुटने के नीचे, घुटने के पीछे की नस को छोड़कर शरीर की सभी सारी मांसपेशियां सशक्त हो जाती हैं जॉगिंग के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों मसल्स यानी पेशी शब्द का लैटिन में अर्थ क्या है? तो पेशी शब्द का लैटिन में अर्थ है माउस यानी मुसिक, ठीक है, माउस यानी मुसिक, एक क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अग्रवर्ती एंड पश्चवर्ती पद किसके समानार्थक हैं? तो एंटीरियर पोस्टीरियर आप पढ़े होंगे, एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर पीछे, यहाँ पे अग्रवर्ती मतलब आगे का भाग और पश्चवर्ती मतलब पीछे का भाग, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अग्रभाग और पीछे का। नेक्स्ट है अस्थियों का अध्ययन कहलाता है, तो दोस्तों अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है और जोड़ों का अध्ययन ऑर्थोलॉजी में। नेक्स्ट है अस्थियों के निर्माण में सर्वप्रथम कौन सी अस्थि कोशिकाएं बनती हैं? तो दोस्तों मैं आपको कई बार बताई हूं कि अस्थि निर्माण की प्रक्रिया को ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं और अस्थि के विघटन की प्रक्रिया को ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। तो अस्थि के निर्माण में कौन सी अस्थि कोशिकाएं बनती हैं? तो ऑस्टियोब्लास्ट, याद रखिएगा, और विघटन का पूछेगा तो ऑस्टियोक्लास्ट। नेक्स्ट है चेस्ट यानी वक्ष का अस्थि पंजर किससे निर्मित होता है? तो वक्ष का अक्ष का जो मोटी हड्डी होती है उसको स्टर्नम कहते हैं, उसके दोनों तरफ 12-12 रिब्स यानी पसलियां जुड़ी होती है, वो कार्टिलेज यानी उपास्थि अस्थि यानी बोन दोनों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क, क और ख दोनों राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन पारस्परिक तंत्रिका भरण रेसिप्रोकल नर्वस की रचना है? तो दोस्तों पारस्परिक तंत्रिका भरण यानी कि परस्पर आदान प्रदान करने वाली संधि की बात कर रहा है, तो यह सैडल ज्वाइंट के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है, सैडल ज्वाइंट के अंतर्गत आ जाएगा। पृष्ठ संधि यानी कि बैक ज्वाइंट या सैडल ज्वाइंट भी कहेंगे, जिसमें किसी भी दिशा व तल में गति होती है, जैसे अंगूठा प्रत्येक उंगली के सामने जा सकता है, तो इसमें ट्रेपेजियम तथा प्रथम मेटाकार्पल अस्थि की संधि होती है। ए दुराग्र संधि जो होता है, धुराग्र संधि जिसे पिवट ज्वाइंट कहते हैं,
जिसमें सिर्फ रोटेशन मोमेंट होता है, जैसे एक हड्डी का सिरा दूसरी हड्डी के नुकीले सिरे पर घूमता है, जैसे सिर की गति एंड रेडियस अल्ना ज्वाइंट। यहाँ पे स्थूलक संधि यानी कि जिसे कॉन्डिलाइट ज्वाइंट कहते हैं, जिसमें दो तलों में गति होता है, जैसे हमारा रिस्ट एक कलाई का जो ज्वाइंट होता है वो होता है। यह कोर संधि यानी कि आपका हिंज ज्वाइंट जो होता है उसमें एक तल में गति होती है, जैसे हमारा नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, उंगलियों का जोड़, जबड़ों का जोड़। नेक्स्ट दोस्तों, न्यूक्लियर ट्रेटी यानी मणिबंध संधि किसका उदाहरण है? यह मणिबंध यानी कलाई यानी कि रिस्ट की बात कर रहा है। तो दोस्तों रिस्ट ज्वाइंट जिसमें दो तलों में गति होती है, मणिबंध दो तलों में गति होती है, यहाँ पे आपका कॉन्डिलाइट ज्वाइंट हो जाएगा। कॉन्डिलाइट ज्वाइंट को हम हिंदी में स्थूलक संधि भी कहते हैं। नेक्स्ट है, शरीर के निम्नलिखित तलों में कौन उसे ऊपर और नीचे हिस्सों में बांटता है? जैसा कि आपको पता है कि जो एक्सिस एंड प्लेन दोनों तीन तीन होते हैं, प्लेन यानी तल जो है तीन होते हैं, सेजिटल, फ्रंटल एंड हॉरिजॉन्टल। सेजिटल जो होता है इसे लेटरल या मीडियल प्लेन भी कहते हैं। यह शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटता है और गति आगे पीछे जैसे कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन मोमेंट होता है। दूसरा होता है फ्रंटल प्लेन, जिसे हम क्रोनल या एंटेरियर पोस्टेरियर प्लेन भी कहते हैं। यह शरीर को आगे पीछे भागों में बांटता है और गति दाएं बाएं होती है यानी एबडक्शन एडक्शन मोमेंट। तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसे अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स प्लेन कहते हैं। यह शरीर को ऊपर नीचे भागों में बांटता है और गति जो है सभी रोटेशन एंड इलेवेशन मोमेंट्स होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका, शरीर को ऊपर नीचे भागों में कौन बांटता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी कि यहाँ पे कौन सा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा? अनुप्रस्थ। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव प्राणी के मणिबंध यानी कलाई जो कार्पल बोन होते हैं कितनी होती हैं? जो कलाई में कार्पल बोन होती है दोस्तों 8 होती हैं, जबकि टखने में जो टार्सस बोन होती है वो 7 होती हैं। दोनों में हमेशा डिफरेंट समझिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सीखने के एक नियम है? तो दोस्तों तत्परता का नियम यानी लॉ ऑफ रेडीनेस, अभ्यास का नियम लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट यानी सेटिस्फैक्शन। ये तीनों नियम थॉर्नडाइक ने के सीखने के नियम मुख्य नियम है, यानी तीनों के तीनों आपके सीखने के नियम हैं। नेक्स्ट है, मानसिक विकास के अंतर्गत शामिल है। तो दोस्तों मानसिक विकास जिसका अच्छा होगा उसके आंसर विवेचन करने की और चिंतन करने की क्षमता अच्छा होगा, यानी विवेचन और चिंतन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न विधियों में किसके द्वारा संवेगात्मक ऊर्जा को वांछनीय माध्यम प्रदान किए जाते हैं? तो इसमें आपको विरेचन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, सीखने में प्रगति की दर घट जाती है और एक ऐसी सीमा पर पहुंच जाती है जिसके आगे जाना असंभव प्रतीत होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे हम कहते हैं सीखने में पठार। क्या होता है सीखने में पठार? यानी कि जैसे कि आपको सीखने के वक्र के तीन प्रकार होते हैं दोस्तों, ऋणात्मक, धनात्मक और मिश्रित वक्र। ऋणात्मक में क्या होता है कि आरंभ में सीखने संबंधी गति तीव्र होती है, बाद में मंद हो जाती है, यानी कि जहाँ कार्य आसान और पहले का अनुभव हो वहाँ इस प्रकार का वक्र बनता है। और दूसरा होता है धनात्मक सूचक वक्र, जिसमें आरंभ में सीखने की गति मंद और बाद में तीव्र होती है, यानी इसमें अभ्यास और प्रशिक्षण द्वारा वृद्धि होती है। तीसरा होता है मिश्रित वक्र यानी कॉम्बिनेशन कर्व, जो सी टाइप लेकिन देखने में एस जैसा होता है, यानी कि प्रारंभ सीखने वाले इसमें जो है किसी भी शक्ल का ले सकता है, घटता बढ़ता रहता है। और एक समय ऐसा आता है दोस्तों जिसे सीखने में पठार कहते हैं, पठार उत्पन्न हो जाता है, यानी कि सीखने के वक्र में पठार उस अवधि को दर्शाता है जिस अवधि में सीखने में कोई प्रगति नहीं होती दिखाई देती,
कुछ समय के लिए रुकी हुई दिखाई देती है, यानी वक्र की रेखा नीचे या ऊपर न जाने की बजाय सीधे चलने लगती है और एकदम सपाट हो जाती है। नेक्स्ट है मनोविश्लेषण आधारित चिकित्सा किसने विकसित की? तो आपको पता है साइकोएनालिटिक थ्योरी ने दिया है सिगमंड फ्रायड ने। नेक्स्ट है व्यक्तित्व मापन की विधियों का विवरण है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका मूल्य निर्धारण पैमाना भी है, व्यक्तित्व मापन की विधि, अंतर्विच्छाएं और निरीक्षण भी है, पेपर और पेंसिल टेस्ट भी है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों एरॉस सूचित करता है। तो एरॉस जो है वह जीवन के मूल्यों को यानी कि जीवन की मूल प्रवृत्तियों को सूचित करता है। नेक्स्ट है फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार आंतरिक कृत पिता कौन है? दोस्तों अंतर मन, आंतरिक पिता या नैतिक मन की बात करें तो वो है आपका सुपर ईगो यानी कि सबकॉन्सियस लेवल। ठीक है, कॉन्सियस अनकॉन्सियस सबकॉन्सियस ईगो सुपर ईगो में फ्रायड ने मन को बांटा हुआ है, जिसमें नैतिक मन आंतरिक पिता कहा जाता है सुपर ईगो पर। नेक्स्ट है उत्तम शिक्षा को हृदयगम करने में कौन सी भाषा सर्वाधिक सहायक है? तो दोस्तों कोई भी चीज सीखने में तभी आपको कारगर होगी जो उसको मातृभाषा में आप सिखाएंगे। नेक्स्ट है नवीन पाठ विषय पढ़ाने से पहले प्रायः पूर्व पाठ को क्यों दोहराया जाता है? अक्सर हम किसी पाठ को पढ़ाते हैं तो उसके पूर्व के पाठ को एक बार हम शॉर्ट में उस पर बात करते हैं। क्यों करते हैं दोस्तों? क्योंकि पूर्व पाठ से संबंधित पाठ को पाठ से संबंधित करने के लिए, जिससे आप पाठ को अगले पाठ को पढ़ाना आसान हो जाए। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को प्रदान किया गया शिक्षण कब प्रभावी हो सकता है? तो दोस्तों किसी भी विद्यार्थी को पढ़ाया गया शिक्षण तभी प्रभावित हो सकता है जब हम उस बालक के मानसिक स्तर को देखेंगे कि उस कितना स्तर है और कहाँ से हमको शुरू करना चाहिए, तभी वो प्रभावित हो सकता है। तो दोस्तों बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए क्या अधिकाधिक आवश्यक है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा हम कहेंगे अगर प्रभावी और अधिक अच्छा शिक्षा दे रहे हैं तो किसी भी चैप्टर को यदि हम पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे जो व्यवहारिक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स होते हैं, उदाहरण होते हैं, और छोटे छोटे उदाहरण के द्वारा हम विषय को, पॉइंट को हम स्पष्ट करेंगे, यानी व्यवहारिक उदाहरण द्वारा विषय को स्पष्ट करना। नेक्स्ट है बालक के किस विकास में शारीरिक शिक्षा सर्वाधिक सहायक है? तो आपको पता है कि मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल सभी प्रकार के जो डेवलपमेंट होता है वो एक व्यक्ति का फिजिकल एजुकेशन करता है। तो यहाँ पे सर्वांगीण विकास आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपकी शिक्षा किस परिणाम में सफल है? दोस्तों कोई भी शिक्षा तभी सफल माना जा सकता है जब आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन या आत्मसंतोष दे। ठीक है, तो आत्मसंतोष यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अपने क्षेत्र के सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति होने पर आप किस पर सर्वाधिक बल देंगे? ठीक है, आप अपने क्षेत्र के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो आप किस पे बल देंगे? तो दोस्तों अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे। नेक्स्ट है उत्तम शिक्षा व्यक्ति को क्या बनाने में सर्वाधिक सहायक है? तो दोस्तों कोई भी शिक्षा यदि आपको आत्मनिर्भर नहीं बना रही है तो वो शिक्षा आपके लायक नहीं है। तो उत्तम शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में सर्वाधिक सहायक होती है। नेक्स्ट है अंतराल प्रशिक्षण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो दोस्तों जैसा कि अंतराल प्रशिक्षण यानी कि इंटरवल ट्रेनिंग मेथड की खोज 1920 में रेंडले व गर्चरल विकिला ने सहनशीलता व गति सहनशीलता को विकसित करने के लिए किया था, लेकिन इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कौन सी प्रशिक्षण विधि प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति और फिर प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों, रेस्ट एंड कैफर्ड या आराम या प्रयास में पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत कहा जाता है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड यानी अंतराल प्रशिक्षण विधि को, यानी कि इसमें इनकम्प्लीट रिकवरी दिया जाता है। दो अभ्यासों के मध्य इनकम्प्लीट रिकवरी अधूरी क्षतिपूर्ति दिया जाता है, इसको टेरेस प्रशिक्षण भी कहते हैं या रेस्ट एंड कैफर्ड या आराम या प्रयास प्रशिक्षण भी कहा जाता है। इसमें अभ्यास के दौरान हार्ट रेट जो होता है 180 प्रति मिनट पहुंच जाता है और कुछ समय तक क्रियाकलाप किया जाता है, फिर कुछ समय तक अभ्यास करके पुनः आराम करके पुनः क्रियाकलाप आरंभ किया जाता है, यानी हृदय गति अभ्यास के समय 180 प्रति मिनट पहुंच जाती है और अधूरी क्षतिपूर्ति के आधार पर जब हृदय गति 120-130 प्रति मिनट पहुँचते ही अभ्यास को पुनः शुरू किया जाता है। नेक्स्ट है फार्टलेक प्रशिक्षण विधि किस देश की है? आपको पता है फार्टलेक शब्द ही लिया गया है स्वीडिश से, स्वीडन से लिया गया है। फार्टलेक प्रशिक्षण की खोज 1937 में गोस्टा होमलर ने किया था एंडोरेंस डेवलप करने के लिए। और जो फार्टलेक शब्द स्वीडिश शब्द है जिसका अर्थ होता है गति में खेल यानी कि गतिज खेल यानी स्पीड प्ले, और यह बिना पूर्व नियोजित ढंग से नॉट प्रॉपर प्लान तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट है लेजियन के हैंडल की लंबाई कितनी होती है? तो लेजियन के हैंडल की लंबाई 15 से 18 इंच के लगभग होती है। नेक्स्ट है लेजियन का भार कितना होता है? तो दोस्तों लेजियन का भार लगभग 1 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट है मानक किसी परीक्षण पर प्रतिनिधि प्रतिदर्श के प्राप्तांकों का क्या होता है? तो यह माध्य या माध्यिका होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित मानक में से कौन सा मानक का प्रयोग अधिकतर मनोवैज्ञानिक परीक्षण में किया जाता है? तो ज्यादातर यह सतमक मानक का प्रयोग मनोवैज्ञानिक परीक्षण में किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी अवस्था लेजियम की नहीं है? पवित्र है, चार आवाज है, पीछे छलांग है, बट आपका जानतिक नहीं है। नेक्स्ट है खिलाड़ी क्रियाशील नहीं होते हैं तो उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन एवं विश्लेषण करना भी आवश्यक नहीं है, यह कौन से सिद्धांत है? तो दोस्तों खेल प्रशिक्षक के बहुत सारे सिद्धांत को हमने बताया हुआ है, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। तो यह क्रियाशील सहभागिता के सिद्धांत कहलाएगा। नेक्स्ट है प्रशिक्षक ही खिलाड़ी को क्रियाशील सहभागिता के लिए तैयार करेगा, यह कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो यह भी कहलाएगा क्रियाशील सहभागिता का सिद्धांत। नेक्स्ट है खेल एवं खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी के उच्च प्रदर्शन स्तर के लिए प्रशिक्षण चक्रों में प्रशिक्षण विभाजित करके दिया जाता है, यह कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो दोस्तों यह चक्रीयता का सिद्धांत कहलाता है जिसमें मैक्रो मीजो एंड माइक्रो चक्र होता है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण चक्रीयता को कितने प्रशिक्षण चक्रों में विभाजित किया गया है? तो आप सबको पता है 3, मैक्रो मीजो एंड माइक्रो साइकिल। नेक्स्ट है चक्रों का मुख्य उद्देश्य क्रमबद्ध प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के साधनों का सही उपयोग करना होता है, यह क्या कहलाता है? दोस्तों यह माइक्रो चक्र कहलाता है। ठीक है, यह माइक्रो चक्र कहलाता है। नेक्स्ट है माइक्रो चक्र का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों इसको अवधिकालीनता भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 चक्र हो जाते हैं, माइक्रो मीजो और माइक्रोसाइकल। जैसे कि आपका सबसे बड़ा चक्र कौन सा होता है? माइक्रो चक्र। एंड उसके बाद कौन सा होता है? मीजो चक्र। फिर तीसरा होता है आपका माइक्रो चक्र, यानी कि माइक्रो चक्र को ट्रेनिंग योजना भी कहते हैं
अवधिकालीनता भी कहते हैं। सबसे बड़ा ट्रेनिंग साइकिल होता है जो 3 से 12 महीना या 1 साल का होता है। दूसरा होता है मीजो चक्र, जिसे तैयारी काल या मासिक ट्रेनिंग चक्र या मासिक चक्र या अवस्थन चक्र कहते हैं। ये 3 से 6 सप्ताह यानी 1 से 1.5 माह का होता है। तीसरा होता है माइक्रो चक्र, जो सूक्ष्म अवधि या साप्ताहिक योजना कहा जाता है। ये सबसे छोटा चक्र होता है 3 से 10 दिन या 1 सप्ताह का। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 50 MCQ क्वेश्चंस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और इसी तरह डेली बेसिस मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।